या एनवीटी का G10 3 है, ये मोटर है KTS की पतली वाली मोटर। अब इसमें हम करते हैं पैरामीटर कैसे सेटअप करना बताता हूँ। नॉर्मली आप ड्राइव ऑन कर लेना, उसके बाद सबसे पहले आपको वायरिंग ऐसे करना पीछे घर का, जैसे वायरिंग होता है नॉर्मली, वायरिंग ऐसे कर देना। ये पैनल अडॉप्शन का पैनल है, इसमें हमने चलाया। उसके बाद हमने इसको ना ऐसे से पी जीरो के पी पैरामीटर खोलना है, P2 में जाना है, P2 के 00 में इंटर करना, मोटर टाइप 1 kW 4.6, इसकी फ्रिक्वेंसी 23.5 95, उसके बाद वोल्टेज 380, करंट 11 एम्पीयर, बाकी सब ये नॉर्मल इसमें मोटर का डाटा डाल देना। उसके बाद आप इंकॉर्डर के पैरामीटर के बाद गया, सबसे पहले P0 को 00 में 00 में 3 करना क्लोज लूप। अब उसका स्किप करके P20 में जाना, P20 के 00 में 4 1 में 2048 पल्स, उसके बाद 2 में 101। अभी मैं 3000 पर पहले चला के देखूँगा इसको, 3000 पर चला के देखता हूँ। ये चलते हैं, चलो ट्यूनिंग करते हैं कैसे ट्यूनिंग। अगर आपको ड्राइव से ट्यूनिंग करना है, ड्राइव से, तो आपको करना क्या है, उस ड्राइव से ट्यूनिंग तभी होगा जब मोटर कंट्रोलर को हाथ से प्रेस करके रखना। मोटर कंट्रोलर को आप हाथ से प्रेस कर दोगे, उसके बाद ट्यूनिंग करना है। अगर ड्राइव से करना है तो अगर कंडक्टर लगा हुआ है, तो अगर कंडक्टर नहीं लगा हुआ है तो आपको यहीं से ट्यूनिंग हो जाएगी। अगर कंट्रोलर से ट्यूनिंग करें वो बताता हूँ, पहले हमें ड्राइव से ट्यूनिंग करना है। 00 के 1 में टर्मिनल टाइप 1 है, मतलब टर्मिनल चलेगी, तो हम 0 कर दिए। अब हम इसको ड्राइव से ट्यूनिंग करते हैं, हमने कॉन्ट्रेक्टर को डायरेक्ट कर दिया अभी ट्यूनिंग के लिए। अब P00 के 9 में जाना, P00 के 9 में। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें प्लीज़, यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। सॉरी, P00 के 9 में जाना आपको, P00.09 में आ गए। अब इसमें गियर के लिए 2 और गियरलेस के लिए 4 हमें डाल दिया। अब ट्यूनिंग आ गया, अब हम ड्राइव पे बटन दबाएंगे। ये देखिए मोटर साउंड कर रही है, पी का साउंड आ रहा है, मोटर ट्यूनिंग होना स्टार्ट हो गया। ड्राइव रन 1 इंड आएगा, छोड़ देना आपको इंडिया। ये ट्यूनिंग कंप्लीट हो गया, अब ये अपना रिसेट हो गया डिस्प्ले, ENDV आया था और रिसेट हो गया। अब ये ट्यूनिंग हो गई कंप्लीट, अब इसको हम चला के देखते हैं। अगर ड्राइव चलाना तो रन का बटन दबाएंगे, चेक करेंगे। ये देखो कमांड दे दिया, नहीं चली, इंकॉर्डर डिस्कनेक्टिंग बता दिया। अब फॉल्ट रहा था, अब कंट्रोलर चला के देखते हैं। P01 का टाइम टाइप कर दिया, कंट्रोलर हमने करें, कंट्रोलर चला कर कंट्रोलर पर हमने इसे ये नहीं चली, इंकॉर्डर डिस्कनेक्टिंग का फॉल्ट आ गया। इसको स्टॉप, अब चला के देखते हैं। अब भी हल्का झटका लेके ड्राइव ट्रिप करें। अब चलो, अब नेक्स्ट स्टेप, अब इंकॉर्डर एंगल चेंज करते हैं। P00 के बताया, P20 के 02 में गए, 000 1 01 करते हैं, 101 पे ये एंगल पर रखते हैं। अब फिर से इसको ट्यूनिंग करते हैं, अब हम ट्यूनिंग कंट्रोलर से करेंगे, ड्राइव से नहीं करेंगे। तो P00 के 9 में आ गए इंटर, और इसमें हमें करना 4 कर दिया। आप कंट्रोलर से ट्यूनिंग करते हैं, वो ट्यूनिंग होना स्टार्ट हो गई, एंगल चेंज कर दिया हमें। दूसरे वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब ये इंट हो गया, अब चलो इसको चला के देखते हैं कि एंगल मैच किया कि नहीं। ड्यू का फॉल्ट आया, एंगल मैच कर गया। अब इसको ऊपर चला के देखते हैं, अब चल रही है, डाउन करके देख रहे हैं, डाउन भी चल रही है और अप भी चल रही है। ओके, चल रही है। अब इसमें हमें क्या करना है, कुछ पैरामीटर एडजस्ट करने हैं। देखो डाउन भी अब भी आ रही है और डाउन भी जा रही है। ओके, ये चल रही है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।